अस्सलाम वालेकुम, ये है दुनिया न्यूज। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस। एफसी अहलकारों की शहादत पर अमन मुजाकरात में डेडलॉक, कमेटियों की मुलाकात मंसूख। वजीर आजम नवाज शरीफ से हुकूमती टीम की मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हतमी लाहे अमल के लिए कल इजलास तलब। कलदम तहरीक तालिबान ने शूरा और मरकजी क्यादत का इजलास तलब कर लिया। तालिबान कमेटी का अकोड़ा खटक में इजलास जारी, हुकूमती टीम से भी राबिता, खुफिया मकाम पर मुलाकात की दरखास्त कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज की आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात, दिफाई तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी दिफा लापता अपराध केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश, कहते हैं एजेंसियों को आखिरी वार्निंग दे दी, मामला हल नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। मामला फौजी हुक्काम के सामने संजीदगी से उठाया है। कराची में पुलिस बस पर हमले में मुलव्वस दो दहशतगर्द मुकाबले में हलाक। ईस्ट जोन से 7 इश्तिहारियों समेत 47 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा और मुनशियात बरामद। दोरलाई में शक की बुनियाद पर खातून और मर्द को संसार कर दिया गया, फतवा देने वाले मौलवी समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर हाईकोर्ट ने बैंकों के कर्जों की अदायगी के लिए शरीफ बरादरान को इत्तफाक फाउंड्री के असासे फरोख्त करने की इजाजत दे दी। जहलम के करीब तिल्ला के मकाम पर पाक फौज की जंगी मशकें जारी, कोर कमांडर मंगला और कोर कमांडर गुजरावाला ने मुआयना किया। आम आदमी करप्शन से हार गया, वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर, रियासत में सदारती राज नाफिज कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का बिग थ्री के मामले पर तबसरे से गुरेज, कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का मफाद अव्वलीन तरजीह है। और बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर हीरोइन दीपिका पादुकोण दिन रात काम करने की वजह से बीमार हो गई, डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। ये थी दुनिया हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट दुनिया न्यूज़.tv।